ஒரேடா आज मैं उस मेले में हाजिर हुए हैं, माता के मंदिर में हाजिरी दी है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नीचे भी हम जाकर देख आए हैं, वहाँ भी ऐसे लगता है जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हों, माता के दर्शन हो रहे हों। और श्रद्धालुओं की बहुत लंबी एक लाइन लगी हुई आप देख रहे हैं, बहुत भीड़ है और सब लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, अपनी मन्नत मनवाते हैं और माता का आशीर्वाद हासिल करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौसम भी है इस इलाके का कि थोड़ी सी डेवलपमेंट हो जाती है। उन लोगों को जो सुविधाओं के इससे यहाँ वंचित रखा हुआ है वो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए और इस मेले के लिए सरकार की तरफ से पूरा पूरा योगदान होना चाहिए, क्योंकि हजारों की तादाद में श्रद्धालु मैं देख रहा हूँ यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए और दूसरी सुविधाएं अगर हों, यहाँ कोई सराय बन जाती है, दूसरी सुविधाएं जो भी श्रद्धालुओं को चाहिए वो यहाँ का पूरा इलाका मैं कहूँगा कि ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। शुद्ध महादेव का इलाका अपने आप में बहुत मशहूर है और इसकी जो महानता है, जो मान्यता है, वो अपने आप में एक पूरी हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में ये स्थान जो है वो बहुत ही एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ माता शिव पार्वती का विवाह हुआ था और जहाँ माता पार्वती ने यहाँ तपस्या भी की थी सुदीप के इलाके में। और इसके साथ ही जो दूसरे हैं बुद्ध केदारनाथ का यहाँ बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ भी लोग आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं। इसी तरीके से जो नैना देवी का मंदिर है, ये चज यहाँ काली माता का मंदिर है, ये बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। करला में है नाग देवता का मंदिर है, उसकी भी बहुत मान्यता है। इन अगर टूरिस्ट को यहाँ डाइवर्ट किया जाए, पिलग्रिम्स को डाइवर्ट किया जाए तो एक बहुत अच्छा टूरिज्म के लिहाज से भी ये इलाका प्रमोट हो सकेगा और उन लोगों को भी पता चलेगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो एक मान्यता के स्थान है, पवित्र स्थान है, उन जगहों पर भी जाने का श्रद्धालुओं को मौका मिलेगा। तो सरकार की तरफ से इस संबंध में कुछ प्रयास करने चाहिए। सदी सदी गे रहने गे की मचा वो गजान गे असर दो आइया बड़म दे कुत्तियां सेवादार नहीं रंगे गाइयां दे सेवादार नहीं रंगे गाइयां दे
दर्शन किए, फिर मैंने नीचे आके दर्शन किए। यहाँ पे माता रानी का बड़ा अच्छा स्थान है और यहाँ पे सारी चीजें नेचुरल है। आप पहली बार आए? हाँ, मैं पहली बार आई। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार आके देखें कैसे यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, कैसे यहाँ पे माता रानी के चित्र है। बहुत अपना नाम बताओ। मेरा नाम वागीशा और मैं उधमपुर से आई हूँ और मैं इधर काली माता के दर्शन करने आई हूँ। यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, सब नेचुरली है और यहाँ पे माता जी ने यहाँ पे टीके लगाए हुए हैं हर एक मूर्ति में। आप उधमपुर वासियों को क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप इधर जरूर आए और यहाँ पे दर्शन कीजिए। तो अभी गर्मियों की छुट्टियों में आप यहाँ पे जरूर आए, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे दर्शन कीजिए।